बैक टू माय चैनल जैनब्स लाइफ इन प्लेट। सो कैसे आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे, और आप सबके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिनों के बाद वापस से आई हूँ व्लॉग्स लेके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं घर पे नहीं थी, मैं गई हुई थी कलकत्ता, और वहाँ के भी कुछ कुछ मैंने शूट किया था, वो सब मैं डालूंगी इस व्लॉग में। और मैं गई थी कलकत्ता मेरे शादी के शॉपिंग के लिए। मैंने वहाँ से अपना वेडिंग का मेन जो ड्रेस है वो लिया, और बहुत सारे शॉपिंग की, बहुत सामान लेके आई हूँ, और बहुत सारे सामान अभी तक कुरियर DTDC में आ रहे हैं। और इतने दिन शादी के ये सब कामों के वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अभी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे रूम का क्या हाल है। ये देखिए, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये सारा सामान मेरे रूम में ऐसे पड़ा है, क्योंकि ये सब मुझे सेट करना है। ये सब भी है, ये सारा सामान है, यहाँ पे भी है, और बहुत सारा सामान तो अभी तक आया नहीं है, तो ये सब मुझे वहाँ पे पार्सल करना है अभी। लेकिन पैकिंग वैकिंग करूँगी, आज मार्केट जा रही हूँ अभी शादी का कार्ड बनाने, तो कार्ड देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बनाने देंगे, और आते वक्त सामान लेके आऊँगी। ये सब पैक करना है, यहाँ पे सारा जो मैं लेके जाऊँगी अपने साथ वो है कुछ कुछ, और गिफ्ट्स है किसी को शादी में देना है, वो सब गिफ्ट्स है, तो ये सब भी पैक करना है। तो ये सारा सामान पूरा एकदम बिखरा पड़ा है मेरे रूम में। मेरे रूम का कोई हाल नहीं है, देखने लायक मेरा रूम होके नहीं है अभी, इतना गंदा हो गया है मेरा रूम। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में, थोड़ा काम है। उसके बाद कल भी मैं मार्केट गई थी, वहाँ का भी मैंने थोड़ा शूट किया है, वो सब भी यहाँ पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि इतना सारा व्लॉग बनाने में, एडिट करने में, डालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं इसी व्लॉग में सब दिखाऊंगी आप लोगों को, जितना मैंने मतलब बनाया है, शूट किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, वहाँ जाके कार्ड सिलेक्ट करूँगी, जो जो करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, तो ये सब मैंने जो आप लोगों को बताया था कि मैंने कलकत्ता में थोड़ा सा शूट किया था, तो ये वो सब पार्ट है। मैं वहाँ जाने के बाद मेरा बहुत दिल था वहाँ पे हर एक चीज़ शूट करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैंने डॉक्टर के पास तक मुझे जाना पड़ा, डॉक्टर को आना पड़ा एक्चुअली। और मैं बहुत तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई। ये एक दोस्त था जो मेरा तबीयत ठीक होने के बाद या उससे पहले ये सब थोड़ा शूट किया था, और ये सब वहीं पे शादी के मार्केटिंग के लिए जो घूम रहे थे तभी का है। ये मेरा लहंगा जहाँ से लिया था वहाँ पे मुझे उनके पेज में मिला इंस्टाग्राम में, वरना मेरे पास लहंगा लेते वक्त का कोई कुछ भी नहीं है, बस एक पिक्चर है लहंगा पहनते हुए, जो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। और वहाँ पे बैंगल्स इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे बैंगल्स थे, लेकिन ग्लास के थे तो लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जितना हो सके लाई हूँ मैं अपने लिए। तो बस यहाँ तक था जो मैंने कलकत्ता में शूट किया था, यही सब है। और उसके बाद मैं घर आ जाने के बाद जब मुझे मेरा शादी का कार्ड मिला, जो कि नवाब लोग के घर से था, वो मैंने पापा को दिखाई, ये अब्बा देख रहे थे, और ये मैं और मम्मी बाज़ार गए थे, विशाल गए थे, कुछ कुछ सामान लाना था वो सब लाने के लिए। तो ये एक कटोरा मम्मी के हाथ में है ग्लास का, ये मम्मी ने पूरे रास्ता अच्छे से संभाल के लाया। उसके बाद जैसे घर पहुँचे गेट में टूट गया, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं, मम्मी और भैया हम लोग शादी का कार्ड सिलेक्ट करने गए थे, तो देखिए आप लोग, और ये सारे बाकी सामान जो हम लोग ले रहे थे घूम घूम के मार्केट में, जो जो चाहिए था यहाँ पे वो सब ले लिया है, और कलकत्ता से जितना हो सका वहाँ से भी किया है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है शादी के बाज़ार में कि अभी भी शायद कुछ काम हुआ ही नहीं है, बहुत काम बाकी है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। रोज़ मार्केट जाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ लाते हैं, लेकिन फिर लगता है नहीं ये रह गया, अच्छा वो रह गया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मार्केट से आने के बाद इतना थक गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया, सो गई थी रूम में, उसके बाद अभी उठी हूँ, उठ के फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद अभी साहिबा आएगी जो मेरी नेबर है, वो मेरे साथ सेम कॉलेज में भी है, हम लोग सेम स्कूल में भी थे,
तो अभी वो आएंगी आएगी और हम एक साथ अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। कल से मैं कॉलेज स्टार्ट करूँगी। कॉलेज को स्टार्ट हो गए 4 दिन हो गए, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि शादी के काम में बिजी थी और मैंने यूनिफॉर्म सिलाना ही भूल गई थी। आज यूनिफॉर्म लेके आई हूँ टेलर के पास से, ट्राई किया है, परफेक्ट है, तो कल से कॉलेज स्टार्ट करूँगी, क्लासेस जाऊँगी। तो अभी मेरे बाल वाल सब बिखरे हुए हैं और मेरा स्किन भी बहुत ख़राब हो गया है। अगर कोई कुछ सजेस्ट कर सकता है शादी से पहले स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, तो डू सजेस्ट मी, इट विल हेल्प मी अ लॉट दिस टाइम। और तो वो आने के बाद मैं नोट्स लिख लेती हूँ थोड़ा, वो आने के बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। चलिए, मेरा रूम का ये हालत इसीलिए है क्योंकि मेरे घर पे शादी की तैयारियां चल रही है और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी मेरी। हाँ हाँ, मैं व्लॉग बनाया सोजी का ना, तुम्हारे लिए मैं ये तो मेरी शादी का कार्ड है वो नहीं, मैं ये पढ़ रही हूँ, नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। अपने नोट्स लिखते हुए साहिबा आके चली गई और इतना लिखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कब कंप्लीट होगा, तो मैं यहीं पे अपना सारा नोट्स कंप्लीट करती हूँ। कल सुबह कॉलेज है तो कल मैं आप लोगों को एक नया व्लॉग में हर चीज़ दिखाऊंगी। तो आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और होप्स हो कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।